सो जैसे कि आपने वीडियो देख ही लिया होगा, सो आज हम बात करने वाले हैं डेवन लैरेट के ऊपर, बिकॉज रिसेंटली डेवन लैरेट ने एक स्विस ओपन आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था, वो भी लेफ्ट हैंड से, और इसके ऊपर आज हम इन डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ डेवन लैरेट ने जो है उस टूर्नामेंट के बाद जो है कुछ प्रैक्टिस सेशंस किए थे कुछ बड़े आर्म रेसलर्स के साथ जो उनसे हैवी वेट है, बड़े हैं वेट में, और वो मैच कैसा गया। सो उससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि डेवन लैरेट और लियोनाइडस अर्कोना का मैच कैसा जा सकता है। और साथ ही साथ अर्मिस गैस्परिनी ने जो है लेवान सेकिनेश्वली को चैलेंज दे दिया है। सो क्या हमें बहुत जल्द लेवान और अर्मिस का सुपर मैच देखने मिलेगा, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। और एंड में जो है आरटीएम मोरोजोव के ट्रेनिंग के ऊपर, ऑर्डर लैरेट के ट्रेनिंग के ऊपर और लेवान सेकिनेश्वली के ट्रेनिंग के ऊपर, तीनों ने कुछ बेहतरीन जो है रिकॉर्ड सेट किए हैं, ट्रेनिंग के वीडियोज डाले हैं, उस पर भी आज हम जो है बात करेंगे। सो डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सो यहाँ पे डेवन लैरेट ने रिसेंटली जो है स्विस ओपन आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन में जो है पार्ट लिया था, वो भी लेफ्ट हैंड से, और वहां पे जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है उन्होंने डोमिनेट किया और वो जो है फर्स्ट रैंक भी आए। सो लेफ्ट हैंड जो है उनका धीरे धीरे प्रिपेयर तो हो गया है लियोनाइडस के लिए, बट यहाँ पे मेन जो दिक्कत आ रही थी उनके प्रैक्टिस सेशन के ऊपर। सो यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन में जो है वो सैंड्रिस के साथ जो है प्रैक्टिस कर रहे थे लेफ्ट हैंड का। सो स्टार्टिंग में जो है सैंड्रिस बहुत जो है इजीली उनको लेफ्ट हैंड में पिन कर रहे थे, और वहां से तो ऐसे ही लग रहा था कि भाई सैंड्रिस उनको बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड कर रहे हैं। और उसके बाद जो है बट जब वो डेवन को स्टॉप मिल जाता है उनका, और उसके बाद जो है सैंड्रिस कुछ नहीं कर पाते। सो यही है कि स्ट्रेंथ वाइज में डेवन अभी थोड़े कम है, बट एंड्योरेंस की जब बात आती है सो डेवन लैरेट से ऊपर बढ़ के कोई नहीं है। सो यहाँ पे राइट हैंड का भी जो है प्रैक्टिस हुआ, और राइट हैंड में सो जो है ईजिली सैंड्रिस तो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। सो उनके राइट और लेफ्ट हैंड में बहुत ज़्यादा जो है अभी भी डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ गैप है। और डेवन लैरेट का इस समय वेट चल रहा है 115 किलो, और 115 किलो के वेट में ही जो है वो लियोनाइडस के साथ जो है कम्पीट करेंगे। सो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि स्टार्टिंग के शायद फर्स्ट सेकंड राउंड जो है लियोनाइडस जीत सकते हैं, उसके बाद जो है अगर डेवन लैरेट को उनका वो स्टॉप मिल जाता है, उनका जो है एंड्योरेंस काम में आ जाता है, उनको गैस आउट कर देते हैं लियोनाइडस को, सो वहाँ से डेवन लैरेट ईजिली जीत सकते हैं। सो हमारा जो दूसरा न्यूज़ है वो अर्मिस गैस्परिनी के ऊपर है। सो रिसेंटली अर्मिस गैस्परिनी ने एक जो है स्टोरी डाला था लेवान को चैलेंज करते हुए। सो यहाँ से तो लग रहा है कि अर्मिस गैस्परिनी भी चाहते हैं लेवान से मैच करना, और धीरे धीरे उनका शोल्डर इंजरी भी जो है हील अप हो रहा है। सो अभी लेवान सेकिनेश्विली का जो अपकमिंग मैच है वो दिसंबर में है जेरी कैडोरेट के साथ, उसके बाद हमें 110% अर्मिस गैस्परिनी के साथ ही उनका मैच देखने मिलेगा। बट इतना टाइम जो है अर्मिस भी रेस्ट रिकवरी तो नहीं करेंगे, मुझे लग रहा है अर्मिस का भी एक मैच आएगा, मे बी शायद माइकल टॉड और गेनाडी के जो भी विनर होंगे उनके साथ वो एक पुलिंग मैच रख दे, उसके बाद जो है फाइनली हमें लेवान और अर्मिस का मैच देखने मिल सकता है। और एंड में बात करेंगे ऑर्डन लैरेट के ट्रेनिंग के वीडियो के ऊपर, बिकॉज रिसेंटली ऑर्डन लैरेट ने भी जो है उनका भी मैच आ रहा है किंग ऑफ द टेबल में, और वो बहुत ही जो है पोटेंशियल मैच रखे, बहुत ही ह्यूज ओपोनेंट है उनके। सो उनके लिए जो है वो जिस तरीके से डेवन लैरेट प्रोनेशन कल्स किए करते थे, वैसे ही ऑर्डन लैरेट भी अपना उसमें स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, और रिसेंटली उन्होंने 106.5 LBS का जो है रिकॉर्ड सेट किया था। उसके बाद लेवान सेगिनेश्वली भी बहुत फ्रीक्वेंटली अपने ट्रेनिंग के वीडियोस डाल रहे हैं, वहाँ पे वो कुछ 125 LBS के डंबल से बहुत इजीली जो है कर्ल्स कर रहे थे, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा था देखने के लिए। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि लेवान सेगिनेश्वली भी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिपेरेशन कर रहे हैं जेरी कैडोरेट के लिए। क्यों? बिकॉज लेवान को ऐसा लगता है कि जेरी कैडोरेट एक अलग आर्म रेसलर है, बिकॉज वो सीधा फ्लॉप प्रेस में जाते हैं। सो यहाँ कहीं ना कहीं वो डरे हुए लग रहे थे, बिकॉज पिछले वीडियोस भी हमने बनाए थे उसमें जो है उन्होंने बहुत सारे चीज़ें बोली थी, तो इसीलिए वो भी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस जो है कर रहे हैं। और एंड में जो है आरटीएम मोरोजोव का भी जो है एक सुपर मैच आ रहा है एलेक्स कुर्देचा के साथ, यही KOTT में। सो उसके लिए भी जो है वो फ्रीक्वेंटली वीडियोज डालना शुरू कर दिए हैं, वो कुछ सीटेड 95 kg के जो है बारबल कर्ल्स कर रहे थे, जो कि बहुत ही बढ़िया है, और उनका फॉर्म उनका बॉडी साइज भी पहले से जो है रिकवर कर लिया, बिकॉज पहले कुछ इंजरीज वगैरह हो गई थी उन्हें बहुत टाइम पहले, उसके बाद वो रिकवरी फेज में थे, बट अभी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। सो देखते हैं अभी का जो KOTT होने वाला है 28 सितंबर को होने वाला है, बहुत बेहतरीन मैचेस है उसमें, डेवन लैरेट है, आरटीएम मोरोजोव है, बहुत अच्छे अच्छे आर्म रेसलर का मैच रखा है। सो हम उस दिन लाइव भी करेंगे, सो मेक श्योर आप लाइव में जरूर आइएगा। और भी कुछ न्यूज आता है इसके रिलेटेड, सो हम मेक श्योर करेंगे आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करें। सो आज के न्यूज के लिए इतना ही, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीक एपिसोड में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस।